वैक्स बेसिकली एक बेनिफिशियल सब्सटेंस है ईयर के लिए वैक्स सिक्रीट सबके कानों में होती है और सबके कान आ, का बिहेवियर अलग अलग रहता है 80 परसेंट लोगों के कान में वैक्स जो होता है वो सिक्रीट होने के बाद अपने आप साफ हो जाता है घर के नुस्खे लगाते हैं लसन तेल डालना और ये सब डालना वो सब हम एडवाइज नहीं करते बिकॉज ये ऑर्गेनिक पदार्थ हैं और ये फंगस को ब्रीड करते हैं वो ईयरबड ना यूज करें बिकॉज ईयरबड से वो उसको फर्दर अंदर पुश कर रहे हैं। नमस्कार सेहतनामा में आज बात ईयर वैक्स यानी कान का मैल क्यों होता है और इसे कैसे साफ किया जाए डॉक्टर रमन अब्रोल जी ई स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं बहुत बहुत स्वागत सर सो so, कान का मैल सभी को होता है बच्चों को भी बड़ों को भी अब दिक्कत यह है कि इसको साफ़ कैसे किया जाए क्योंकि बहुत जो तरीके अपनाए जाते हैं कभी उंगली डाल के कान साफ़ किया जा रहा है या ईयरबड्स यूज़ किए जा रहे हैं या कान में तेल डाला जा रहा है इस पर आप ज़रूर विस्तार से बताइए ये होती क्यों है और इसकी सफ़ाई देखिए दर्शकों है? को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैक्स बेसिकली एक बेनिफिशियल सब्सटेंस है ईयर के लिए और ईयर में स्पेशल ग्लैंड होते हैं जो कि वैक्स सिक्रीट करते हैं ये मैल बाहर से नहीं आ रही है ये कान के अंदर बन रहा है अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम कब करने लगा वैक्स सिक्रीट सबके कानों में होती है और सबके कान आ, का बिहेवियर अलग अलग रहता है 80 परसेंट लोगों के कान में वैक्स जो होता है वो सिक्रीट होने के बाद अपने आप साफ हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि कई पेशेंट के कान बिल्कुल लोगों के साफ रहते हैं वैक्स में भी बनता है लेकिन वो एकुमुलेट नहीं होता है 10 10-20 परसेंट पेशेंट लोग होते हैं जो कि वैक्स रिटेनर होते हैं उनमें वैक्स ऑटोमेटिक क्लियरेंस नहीं होता है इस वैक्स क्लियरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेकेनिज्म च्यूइंग होता है क्योंकि हम जब खाना चबाते हैं तो वो कान की जो स्किन की मूवमेंट होती है उससे वो वैक्स बाहर आती है अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये जानना कि ये वैक्स बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में स्क्रीट होती है बिल्कुल लिक्विड होता है लेकिन जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आती है वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगती है और जो लोग वैक्स स्क्रीट रिटेनर्स होते हैं उनमें वो हार्ड हो जाती है और वो स्टोन टाइप भी बन जाती है उन लोगों में वैक्स का प्रॉब्लम होता है जो कि रिटेनर है अब उन पेशेंट्स में क्या किया जाए काफ़ी लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता है हालांकि वैक्स उनके आ, कान में काफ़ी रहती है लेकिन सिम्टम नहीं होता क्योंकि ना ही वो इतनी ज़्यादा होती है कि कान ब्लॉक कर दे ना ही उसमें कुछ इन्फेक्शन होता है वो साइलेंट पड़ी रहती है तो वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स वो होते हैं जिनमें वैक्स बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो स्किन में बरी कर जाती है क्योंकि हार्ड हो जाती है तो वो स्किन के अंदर घुस जाती है उस सिचुएशन में वैक्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है और उसको कई बार हम आ, बहुत स्पेशल प्रोसीजर से निकालना पड़ता है क्योंकि वो एक्सट्रीमली पेनफुल होता है थर्ड एक प्रा पॉसिबिलिटी होती है कि वैक्स जो है वो हार्ड नहीं है लिक्विफाइड है काफ़ी हद तक लिक्विड है लेकिन इट इज़ कवरिंग द ड्रम वो अंदर चली गई है एंड इट इज़ कवरिंग द ड्रम उस सिचुएशन में पेशेंट जो है वो ब्लॉकेज या डेफनेस से प्रेजेंट करते हैं और वो खुद कई बार साफ़ करते हैं तो उनको कुछ लिक्विड लिक्विड लगता है कि कान में कुछ है तो वो पेशेंट्स हैं जिनको कान ब्लॉक हो जाता है अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ये करें क्या जो लोग तो सेल्फ क्लीनिंग है वो ऑब्वियसली वो जब साफ करते हैं उनको कुछ लगता नहीं है जिन लोगों को शक है कि उनको रिटेनर है या उनमें वैक्स रहता है वो घर के नुस्खे लगाते हैं लसन तेल डालना और ये सब डालना ये, के तेल में लसन डाल के वो सब और इसको ठंडा करके डालना जी जी वो सब हम एडवाइज़ नहीं करते बिकॉज़ ये ऑर्गेनिक पदार्थ हैं और ये फंगस को ब्रीड करते हैं और एक बार फंगस हो जाए तो फिर उसका एक अलग टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है और वो फिर डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना तो हमारे हम कहते हैं कि वैक्स रिटेनर्स जो हैं वो ईयरबर्ड ना यूज़ करें बिकॉज ईयरबर्ड से वो उसको फर्दर अंदर पुश कर रहे हैं क्योंकि ईयरबड ब्रॉड होता है और ब्रॉड से वो निकलता नहीं है वो और अंदर जाता है आ, कोई भी घर का पदार्थ मत डालें पानी या ऑयल या बादाम रोगन ये सब डालना नहीं चाहिए क्योंकि हमें हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में फंगस ग्रो कर जाता है बेस्ट सोलूशन है कि वैक्स के ड्रॉप्स मिलते हैं कुछ केमिकल सोल्यूशन मिलते हैं मार्केट में जिससे कि वैक्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और ईज़ीली रिमूवेबल होती है मोस्टली ये वैक्स इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि खुद ही बाहर आने लगती है और बाकी वैक्स अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर को ही मिलना चाहिए अंडर विजन अंडर सुपरविजन ही ये रिमूव करवानी चाहिए वैक्स को रिमूव करने के तरीके काफ़ी हैं सक्शन वैक्यूम सक्शन से होता है वॉश इरिगेशन से हो सकता है आजकल कुछ सेल्फ इरिगेशन टूल्स मिलते हैं मार्केट में के पेशेंट घर में खुद ही वॉश कर सकता है आ, प्रेशर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से ना धोएं ताकि पर्दों में प्रॉब्लम ना हो ये सारे पेशेंट्स आ, ये मैं बता देता हूँ कि इनको खुजली होने का भी काफ़ी सिम्टम रहता है काफ़ी लोगों को खुजली रहती है बहुत और वो काफ़ी हद तक पेशेंट्स जो हैं वो वैक्स के कारण ही खुजली करते हैं और इसलिए जैसे ही आपको खुजली हो आप वैक्स एन टी डॉक्टर को दिखाइए या वैक्स के ड्रॉप्स डालिए और उसको क्लीन करवाइए तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ईयर ड्रॉप्स और वैक्स के ड्रॉप सेम होते हैं नहीं ईयर ड्रॉप्स तो बहुत टाइप के आते हैं एंटीबायोटिक भी आती हैं एंटी फंगल आते हैं ये सब नहीं चाहिए ईयर ड्रॉप्स नहीं डालने नहीं। हैं वैक्स के ड्रॉप्स आते हैं वैक्स के ईयर ड्रॉप्स से परामर्श लेकर सलाह लेकर वैक्स के ईयर ड्रॉप्स अलग होते हैं और वो मिलते हैं तो वो डालने से वैक्स सॉफ्ट हो जाती है और फिर आप उसको क्लीन कराइए और ये जो आ... ईयरबड्स और तेल और उसका नुकसान आपने बताया दिया कि फंगस हो सकता है बिल्कुल, बिल्कुल, और नुकसान ज्यादा हो सकता है हालांकि बड़ा कॉमन है लोग अभी भी सरसों का तेल डालते हैं बच्चों को भी डालते हैं लेकिन ये नुकसान कर सकता है बिल्कुल नुकसान कर सकता है